नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। मथुरा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाता कोतवाली की, जहां दिन दहाड़े चोरों ने कोतवाली को अपना निशाना बना डाला। दरअसल आपको जानकर खुद भी हैरानी होगी कि खाकी जनता की रक्षा करने वाली अब खुद ही सवालों के घेरे में है, और सुरक्षा करने वाली पुलिस भी अब भगवान के भरोसे है, और वह भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको बता दें कि दिनांक 9/6/2018 को खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया था, लेकिन 12/6/2018 को ट्रैक्टर दिन दहाड़े कोतवाली से चोरी हो गया, जिसकी वजह से खाकी वर्दी पर सवालिया निशान लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कोतवाली में हुई इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। नौ छः अठारह को थाना छाता पर एक राजेंद्र सिंह निवासी भड़ोकर अवैध खनन के मामले में एक ट्रैक्टर बंद किया गया था। 12/6/2018 को 4 बजे के करीब ये थाने से ट्रैक्टर जो है गायब हो गया। जिनका ट्रैक्टर था राजेंद्र सिंह, वो करीब 5 बजे के करीब उसी चोरी होने के 1 घंटे के बाद थाने पर पहुंचे कि मेरा ट्रैक्टर जो है छोड़िए। जब देखा गया तो पता चला कि 1 घंटे पहले जो है इनका ट्रैक्टर चोरी हो गया है। इस संबंध में थाने पर हेडमोनर द्वारा ट्रैक्टर चोरी होने का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है कि ट्रैक्टर चोरी होने में क्या राज है। इस संबंध में पूरी छानबीन की जा रही है, क्योंकि थाने पर तो बहुत सारे ट्रैक्टर बंद हैं, काफ़ी दिनों से खड़े हुए हुई है, कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन ये ट्रैक्टर चोरी होना। थाना छाता में सर कोई ट्रैक्टर चोरी हुआ है थाने से, कोतवाली से सर? ये एसडीएम साहब के निर्देशानुसार एसएचओ छाता द्वारा 5 ट्रैक्टर बंद किए गए थे, मिट्टी खनन करते हुए पाए गए थे, इनको बंद किया गया था। बाद में इनको विधिक कार्रवाई करके छोड़ा गया है। पता ये चला है कि एक ट्रैक्टर बिना बताए उसको वो ले कर चला गया। अब कहना ये है कि क्योंकि वो हमारे यहाँ एंट्री था, तो जब तक उसने लीगली उसको छुड़ाया नहीं है तो उसी पर संदेह जाता है कि वही ले गया है, लेकिन इसका हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रहे हैं।